मैंने लापता एसएमपी सीजन 4 ज्वाइन कर लिया है और आप सोच रहे होंगे नेस गेमर को मुझ जैसे मकड़े में ऐसा क्या दिख गया। वेल, मैं प्रो हूँ, मैं कूल भी हूँ और क्या हूँ। चलो छोड़ो, रहने दो, आगे बढ़ते हैं। सीजन की शुरुआत से ही मैं अकेले था, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुझे पसंद नहीं करता था, बल्कि मैं बनना चाहता था लापता एसएमपी का सबसे पावरफुल प्लेयर, और वो भी अकेले। और अकेले ही मैंने काफ़ी प्रो लोगों को बहुत बार रश किया और मारने की कोशिश की, और साथ ही साथ मैंने बहुत बार चीज़ें हारी भी, लेकिन ये गेम है, हार जीत तो लगी रहती है। और इसी के साथ मैंने ज्वाइन कर दी लापता एसएमपी सीजन 4। लापता एसएमपी का सीजन 4 स्टार्ट हो रहा है हमारे आज के दिन राष्ट्रगान के साथ। देखो तो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं लापता एसएमपी का सीजन 4। लेट्स गो। अब एसएमपी की स्टार्ट से ही मैंने एक नॉर्मल एसएमपी प्लेयर की तरह शुरुआत नहीं की, बल्कि एक हार्डकोर प्लेयर की तरह शुरुआत की, और वो भी मैंने की शिपरेक्स के साथ। मुझे हार्ड चाहिए थे, जो कि शिपरेक्स में स्पॉन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे स्टार्टिंग में, जो कि मोस्टली 100% ही था, बट पता नहीं क्यों ये सारे लूटेड थे। तो मैं स्पॉन से थोड़ा दूर गया और एक और चेस्ट खोली, जहाँ पे मुझे एक हार्ट और एक रिवाइव बुक मिल गई। रिवाइव बुक ड्यू टू सम ग्लिच एंड एरर्स गायब हो गई थी, क्योंकि थॉर्न्स बैन थे और थॉर्न्स के साथ साथ सारी एन्चेंटेड बुक्स बैन हो रही थी, लेकिन हार्ट मुझे मिल गया था और उसको यूज़ करने पे मुझे वो मिला ही नहीं। तो मतलब ये तो एक स्कैम ही था भाई। कोई बात नहीं, फिर मैं आगे बढ़ गया और मैंने आयरन की आर्मर बनाई, टूल्स बनाई और एक घर बनाया। हाँ, आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी कैसे बना दिया, ये सारी 4 से 5 घंटे की सारी क्लिप्स हैं जो कि मैंने कट करके अभी डाली हुई है। एनीवेज, हाउस तो मेरा बिल्ड हो चुका था और फिर मुझे और सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को ला के क्योर करवाया। उसको क्योर करवाने के बाद मैंने बहुत सारी मेंडिंग बुक्स ले ली और आगे बढ़ गया पेड़ की माइनिंग के लिए, क्योंकि मुझे स्टिक्स टू एमराल्ड करने थे, और उसके बाद मैंने कर दिया लॉग ऑफ। दूसरे दिन लॉगिन करने पे मैंने देखा कि मेरे एरिया का सब कुछ ग्रीव्स था, सब कुछ चुराया हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरी काउ शीप्स, मेरी लूट ली गई थी, मेरा एन्चेंटिंग टेबल गायब था, मैंने इतना टाइम लगाया था सब बनाने में और सब कुछ गायब था। मैं ऊपर आया तो मेरा मेंडिंग विलेजर भी नहीं था यहाँ पे, और जो सब मैंने सेटअप किया था कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आता ये कौन आया और किसने किया, और बाद में मुझे पता चला ये सब निस गेमर ने किया। जब मैंने उनका वीसी ज्वाइन किया, वो लोग हंस रहे थे और उन्होंने बताया कि ये उन्होंने किया, बट मैं उनको छोड़ तो सकता नहीं था। तो मैं गया नेदर में और मैंने अपना कर दिया टनल माइनिंग चालू, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहाँ गए, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए। तो मैंने सोचा कि चलो अपना तब तक बेस में बदल लेता हूँ। मैंने टनल माइनिंग चालू कर दी और सीधा सीधा डायरेक्शन में माइन करने लगा। मैं अपनी माइनिंग कर ही रहा था जब मैंने देखा कि मेरे सामने एक डेड एंड है और सामने था एक नेदर पोर्टल। सामने लावा को ब्रिज करते करते मैं पहुंचा उस नेदर पोर्टल तक और अंदर गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था उस साइड क्या है, कुछ भी हो सकता था, एक ट्रैप भी हो सकता था, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था ऐसा। एक नॉर्मल प्लेन्स बाम था, लेकिन मैं जानता था ये नॉर्मल तो नहीं है। मुझे जो विलेज मिला था मैंने उसको लूटा और मुझे कुछ खास मिला नहीं, और मुझे लगा उधर कोई ना कोई तो आया था। तो मैं आगे बढ़ गया देखने के लिए क्या क्या है, और मुझे दिखा एक शिपरेक। जब मैं शिपरेक के पास गया और मैंने उसकी चेस्ट खोली, तब मुझे ऐसी चीज मिली, एक हार्ट और एक रिवाइव बुक। और मैं जानता था ये रिवाइव बुक मुझे कितनी काम आने वाली है, क्योंकि मैं किसी भी डेड इंसान को वापस ला सकता हूँ, कोई भी बैंड इंसान मेरी वजह से वापस आ सकता है। और मैं जानता था कि मैं काफ़ी पावरफुल हो चुका था, और तभी मुझे मिल गई एक और रिवाइव बुक और एक हार्ट, और उस वक्त मैं जानता था ये गेम मेरा है, ये वॉर मेरी है, दिस गेमर नहीं बच सकता था। और मैंने यूज़ किया हार्ट और मुझे एक ही हार्ट मिला, जो कि मैं खुश था जिससे। और जब मैं विलेज में वापस गया लूटने, तब मुझे दिखा दिस गेमर। यार निज भाई, अब तो भाग गए यार, लड़ाई कर लेते यार, कम ऑन। यार भाग गए निज गेमर, लड़ना चाहिए था, मजा आता। वही तो कंटेंट यार, मेरे को चैट में देखना था निज गेमर सेन भाई सेन पर। मैं भी चैट में यही वेट कर रहा हूँ कब आएगा। अरे वो मतलब मेरे को मिले, मैं सामने से जा रहा हूँ, ये आ रहे हैं,
मैंने कहा अरे हेलो निस भाई वो भागने। अब निस गेमर तो मुझसे बहुत दूर भाग गया था और उनको चेस करने का कोई मतलब नहीं था, तो मैं वापस गया उनके विलेज और जो उन्होंने मेरे बेस के साथ किया उससे कई ज्यादा बदतर मैंने उनके बेस के साथ किया। इतना सब करने के बाद मेरा रिवेंज फाइनली हो गया था ओवर और निज भाई का बेस भी मैंने तोड़ दिया था और अब मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। और इसी के साथ मैं ये एपिसोड एंड कर रहा हूँ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड गाइस, बाय बाय। रुको, मैं लापता एसएमपी में न्यू आया हूँ तो फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक भी कर दो ताकि मैं और ग्रो होता जाऊँ। और लापता एसएमपी का ओनली मेंबर हूँ जो कि स्ट्रीम करने वाला है, यस लाइव स्ट्रीम लापता करने वाला हूँ मैं यूट्यूब पे, तो आप मेरी स्ट्रीम्स पे आना और मुझे सपोर्ट दिखाना। एनीवेज बाय बाय।